सीरियल अनुपमा में होने वाली है अनुज की एंट्री और इसकी काफी प्रोमोज भी जारी हो गए हैं और इसे फैंस देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। तो आखिर जानते हैं कि ये अनुज कपाड़िया जो कि शो में आने से पहले ही 2 महीने पहले ही इतना धमाका कर चुके हैं कि शो के लिए अब फैंस एपिसोड देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। वही शो पहले ही नंबर 1 चल रहा है TRP में और अनुज कपाड़िया की रूपाली गांगुली की यानी कि अनुपमा की लवर की एंट्री देखकर फैंस काफी एक्साइटेड है। तो जानते हैं कि आखिर ये किरदार निभाने वाले अभिनेता की पर्सनल लाइफ के बारे में कि उन्होंने कैसा काम किया है और क्या है वो और कौन है ये। तो दोस्तों आपको बता दें कि अनुज कपाड़िया का रोल निभाने के लिए गौरव खन्ना आ रहे हैं अनुपमा के शो में। गौरव खन्ना एक टीवी इंडस्ट्री के एक्टर हैं और उन्होंने काफी सीरियल्स में पहले भी काम किया है जी हाँ दोस्तों, और काफी लंबे वक्त के बाद में और वो वापस शो में लौट रहे हैं। इन्होंने कुमकुम, लव ने मिला दी जोड़ी, प्रेम या पहले, चंद्रकांता और ये प्यार न होगा कम, और तेरे बिन और ऐसे कई किरदारों को इन शो में अदा किया है जिसकी वजह से उनकी काफी शानदार और स्ट्रॉन्ग इमेज टीवी इंडस्ट्री में बनी हुई है। इन्होंने अपने अभिनय सफर की शुरुआत भाभी नाम के धारावाहिक से शुरू की थी जिसमें ये भुवन सरीन का किरदार निभा रहे थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1981 में कानपुर में यूपी में हुआ था और अभी फिलहाल वो मुंबई में ही रहते हैं और इन्होंने MBA किया है और अभी कोई भी ऐसा कोई काम उन्होंने अभी मतलब लेटेस्ट कोई शो नहीं किया है और किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि वो अनुज के रोल में अनुपमा सीरियल में नजर आएंगे। ये MBA करने मुंबई आए थे और फिर 2005 में MBA पूरा होने के बाद इन्होंने किसी MNC IT कंपनी में काम किया था 1 साल तक। फिर उन्होंने अभिनय से अपने करियर की शुरुआत की थी जिसे उन्हें पहला जो शो मिला था वो था भाभी और इन्हें पहली बार मुख्य किरदार मेरी डोली तेरे अंगना नाम के धारावाहिक से मिली थी जिसमें इन्होंने रूहान ओबेरॉय का किरदार निभाया था। तो भाई यही झलक हमें फिर से देखने को मिलेगी। एक भाभी था, एक कुमकुम, संतान और CID में वो नजर आ चुके हैं अभी और ब्याह हमारी बहू का और CID में अभी हाल ही में उन्होंने जो लेटेस्ट शो किया है वो है CID और उसके अलावा जो है अब अनुपमा शो में नजर आएंगे अपने दमदार किरदार के साथ जो कि एक बिजनेस टाइकून है और काफी धमाकेदार यानी रूपाली गांगुली के ऑपोजिट काम करना किसी आल बाल के काम का तो ना है नहीं काम। तो दोस्तों रूपाली गांगुली जो कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुकी है टीवी इंडस्ट्री की और अनुपमा से तो उन्होंने काफी शोहरत बटोर ली है तो उनके साथ काम करना ही एक बहुत बड़ी शोहरत होती है। अनुज कपाड़िया यानी कि गौरव खन्ना हमें इस शो में नजर आएंगे तो इनके बारे में हमने बता दिया है कि आखिर क्या है और कौन है। अब बात करते हैं इनकी लव स्टोरी की कि आखिर इनकी लव स्टोरी जो कि अब रूपाली गांगुली के साथ बनने वाली है जोड़ी, लेकिन आखिर पर्सनल लव स्टोरी कैसी है। गौरव खन्ना टीवी का एक जाना पहचाना नाम है और आपको बता दे कि आकांक्षा इनकी वाइफ का नाम है। उन्होंने स्वरागिनी में परिणीता का रोल निभा रही आकांक्षा चमोला से शादी की है। आकांक्षा और गौरव की लव स्टोरी की शुरुआत काफी फिल्मी तरीके से हुई थी। दोनों की मुलाकात एक ऑडिटोरियम में हुई। गौरव उस वक्त अपनी पहचान काफी हद तक बना चुके थे जबकि आकांक्षा इंडस्ट्री में नई थी। हालांकि आकांक्षा गौरव को देखकर पहचान नहीं पाई थी और यही वजह कि गौरव को भी वो टिप्स देने लगी थी जबकि वो खुद न्यूकमर थी और ये देखकर गौरव काफी इंप्रेस हो गए थे। गौरव ने एक इंटरव्यू में भी ये बताया कि जैसे आकांक्षा के साथ उनकी पहली मुलाकात में उन्होंने अपनी पत्नी को अपना असली नाम नहीं बताया था। उनका कहना था कि पहली बार वे मुझे पहचान नहीं पाई थी और एक्टिंग फील्ड में वो मेरी जूनियर है, इसके बावजूद वो मुझे नहीं पहचानी। अब मैं कोई शाहरुख खान या सलमान तो होने की मुझे पहचान थी। उसने मुझे एक्टिंग में एंट्री करने के बहुत सारे तरीके बता दिए और मैं मन ही मन हंसने लगा, लेकिन अच्छा भी लग रहा है था। यही वजह कि मैंने उसे अपने असली नाम नहीं बताया। गौरव खन्ना ने आकांक्षा चमोला से 24 नवंबर 2016 में शादी कर ली थी। तो दोस्तों इस तरह से फिल्मी मुलाकात हुई थी एक ऑडिटोरियम में आकांक्षा से गौरव खन्ना की। तो अब देखते हैं कि रूपाली गांगुली के साथ में कैसी दमदार एक्टिंग करते हैं।